हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। सी टेट के फॉर्म भरने में एक सबसे बड़ी इश्यूज आ रही है, खासतौर पे अवध विश्वविद्यालय के बच्चों को, क्योंकि उनका यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या फील करना है आपको, मैं आपको ऑनलाइन करके दिखाता हूँ कि आपको क्या फील करना है। हाँ, ये बात सही है कि जब आप अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरेंगे और यहाँ पे जब आप अपनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अवध यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे राम मनोहर सर्च करते हैं तो राम मनोहर में आप देखेंगे कि अयोध्या का, फैजाबाद का यहाँ पर नाम नहीं आ रहा। जैसे ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज आ रहा है, लेकिन ये धोतारी का है, ये कल्याणपुरी का है, ये मोदी नगर का है, राम मनोहर लोहिया पूर्वा सुजान, राम मनोहर लोहिया एक्चुअली पूरे भारत का यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपको धामपुर का आ रहा है, लेकिन फैजाबाद या अयोध्या का आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, और दूसरा कि आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपको क्या भरना है, तो चलिए हम भर के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको पास स्टेटस में आपको अपीयरिंग डालना है, क्योंकि आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे अपीयरिंग डालेंगे। कोर्स का नेम ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन है, आपने ये डाल दिया। ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर में पास हो रहे हैं। अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे देंगे तो आप सेकेंड ईयर का कौन से ईयर में पास करेंगे वो लिखिए, और बीएड के जो बच्चे सेकेंड ईयर में हैं वो तो 2022 में उनका रिजल्ट आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, आपने ये कर लिया। अब जैसे ही आप अपीयरिंग डालते हैं रिजल्ट मोड ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपका जब रिजल्ट ही नहीं आया तो आप यहाँ पे परसेंटेज और मार्क्स क्या भरेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पास करेंगे बच्चों, पास करने के बाद अगर आप पास यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो आपका यहाँ पे ये वाला लिंक एक्टिव होगा, लेकिन तो आप अगर यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपीयरिंग में डाल देना है, तो आपने अपीयरिंग में डाल दिया। तो चलिए, अब आपने ईयर ऑफ पासिंग 2022 कर दिया, आपने ये एलिमेंट्री एजुकेशन वाला कर दिया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको RMLU में नहीं मिल रहा है तो आपको सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। जब सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर का। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका अदर आ जाता है, और अदर आने के बाद आपको यहाँ पे आपको फिल करना होगा यूनिवर्सिटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी इन केस अदर। आपने अदर सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे आप फिल करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कैसे यहाँ पे फिल करेंगे आप, इसको देख लीजिए। सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल पे RMLAU सर्च कर लीजिए और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ये जो है पूरा उत्तर प्रदेश फैजाबाद यूनिवर्सिटी, आप यहाँ तक कॉपी करके और इसी चीज़ को आपको फिल कर देना। अगर कुछ बच्चे ये भी फिल कर चुके हैं और इन्होंने ये छोड़ दिया, डजंट मैटर, आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये पूरा कॉपी कर लेना यहाँ से, और जिन्होंने नहीं फिल किया वो यहाँ से कॉपी करके भर सकते हैं। या फिर स्पेलिंग लिख लीजिए कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ऐसे भी आप भर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेते हैं ये गूगल पे सर्च करके, ठीक है, और यहाँ से हमने ऐसे कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद तो आपने जो यूनिवर्सिटी के नाम वहाँ पर कॉपी किया था बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। आप चाहे तो केवल ये लिख देना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछ रहा है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पिन कोड कहाँ है, फैजाबाद में इसका पिन कोड जो लगता है, तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पिन कोड अगर आप देखेंगे तो वह है 22401, यानी कि 224001, हमने इसको यहाँ पे लिख देना है, ओके बच्चों। और फिर आपको यहाँ पे सारा सबमिट कर देना है। एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए, आपने यहाँ पे अपीयरिंग डाला है, ईयर ऑफ पासिंग 2022 डाला है, और आप इसका तो एक ही ऑप्शन है फैजाबाद वाले, अगर आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो आप अदर डाल देना। अदर डालने के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद उत्तर प्रदेश, नीचे पिन कोड में 224001 डाल के आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है बच्चों। चलो, आपने यहाँ पे सेव, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द सेक्शन, यस कर लिया हमने, चलिए यस कर लिया। तो इस प्रकार से आपको ये वाला कॉलम बड़ी सावधानी से फिल करना है बच्चों। कोई भी अगर समस्या आती है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, हम वहाँ पर आपको ज़रूर, जो मेरे स्तर से हो सकता है वो हम आपको ज़रूर सहायता करेंगे। मैसेज आता है सिक्योरिटी पिन कोड डिडंट मैच, तो हमने एक बार इसको फिर से भर देते हैं, ये वाला जो सिक्योरिटी कोड है वो हम भर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, RU5068, हमने ये वाला भर लिया, RUS कर लिया। तो इस प्रकार से आपको भर देना, ठीक है। तो आपने बड़े सावधानी से भरना है, ध्यान से भरना, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात होगी फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, तो ये नेक्स्ट स्टेप है, ये तो आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर कोई समस्या आती है मेरे स्तर से जो भी हेल्प होगा वो मैं जरूर आपसे करूँगा, ठीक है। फॉर्म भरिए, सावधानी से भरिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से। जय हिंद, जय भारत।